आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि एक कम प्राइस वाली आरसी फास्टेस्ट बोट खरीदने के लिए, ये लो यार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ ड्रैगन आरसी बोट। आज इसकी फाइट कराएंगे बहुत सारी चीजों के साथ, जैसे कि ये एक बायोनिक एलियन हेड स्नेक है, और भी बहुत सारी चीजें मेरे पास, जैसे कि ये एक आरसी व्हेल है, आरसी बेबी क्रोकोडाइल है, आरसी एम्फीबियस स्टंट कार है, आरसी एम्फीबियस शार्क भी है। यार चलो फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखिए गाइस आज कौन जीतता है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ड्रैगन बोट अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा फेमस आरसी बोट है। इसका प्राइस 3800 रुपीज है, ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से अगर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। चलो इस फटाफट से यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये बोट के दो कलर मिलते हैं, ये कलर है और ये कलर है, मेरे को ये कलर मिला नहीं यार, मैंने बहुत कोशिश की है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो अभी मैंने दूसरा वाला कलर ही खरीद लिया है। देखते हैं गाइस ये बोट कितनी स्पीड से आज चलेगी, क्योंकि ये बोट के अंदर डुअल प्रोपेलर दिया गया है और बोट का साइज भी देखो यार काफी ज्यादा बड़ा है। जहां तक लुक की बात करो भाई साहब बहुत ज्यादा गजब का लुक है इसका। अच्छा तो इसका ऊपर का कैप ओपन करने के लिए यहाँ पे एक स्विच भी दिया गया है, ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बोट है। पीछे की तरफ दो प्रोपेलर्स मिलते हैं और यहाँ पे ऐसा एरोडायनामिक डिजाइन भी दिया गया है। इसको सामने पुश करेंगे और फिर इसको ऐसे खींचेंगे तो गाइस ये खुल गया, ये इसका कैप है। मोटर ईएससी वगैरह पूरी तरीके से सील करके रखी हुई है। बैटरी हम लोगों को यहाँ पे लगानी पड़ती है, अभी इसकी बैटरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी ठीक ठाक है यार, काफी अच्छे बड़े साइज की बैटरी दी गई इसके साथ, 7.4 वोल्ट भी। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, इतना यूनिक रिमोट मैंने आज तक कोई भी बोट या फिर कोई भी आरसी कार के अंदर नहीं देखा। यहाँ पे दो जॉयस्टिक दिए गए, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टैंड भी दिया गया हमारी बोट को रखने के लिए, और भी यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज है, शायद इसके एक्स्ट्रा प्रोपेलर और चार्जर इसी के अंदर दिया गया है। ओके अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ बायोनिक स्नेक, देखते हैं ये बायोनिक स्नेक कितना ज्यादा ताकतवर है। पिछली बार मैंने इसके साथ रेस लगाई थी तो यार ये स्नेक ने सभी को हरा के रख दिया था। इसके साथ दो एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलते हैं, ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट मिलता है, ये है इसकी रिचार्जेबल बैटरी, और यहाँ पर है हमारा बायोनिक स्नेक। ये अलग अलग तीन पार्ट्स में मिलता है, तो इसको हम लोगों को यहाँ से जोड़ना पड़ता है, और इसको जोड़ना भी बहुत ज्यादा इजी है। लेंथ देखो यार कितनी ज्यादा दी गई है, भाई साहब मजा आएगा इसको चलाने में, एलियन स्नेक जैसा तो मेरे को लग रहा है। ऊपर की तरफ ऐसा डिजाइन देखने को मिल जाता है, इसकी टेल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण बिल्कुल ये एक वाटर स्नेक जैसा ही चलता है यार। ये बेबी क्रोकोडाइल को अनबॉक्स करते हैं। में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में भी बोला था कि बेबी क्रोकोडाइल की फाइट कराने के लिए एलियन स्नेक के साथ। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट बहुत ही ज्यादा क्यूट है यार। ये रिचार्जेबल बैटरी है, यहाँ पे चार्जर वगैरह दिया गया है, ये भी तीन अलग अलग पार्ट्स में मिल जाती है। फटाफट से ये सारे पार्ट्स जोड़ लेता हूँ। इसके अंदर भी क्लिक सिस्टम दिया गया है, इसकी पूंछ भी यहाँ से जोड़ लेते हैं। देखो यार बहुत ज्यादा रियल क्रोकोडाइल जैसी दिखाई देती है, इसके टीथ भी काफी ज्यादा शार्प। ओके यार अब ये ब्लू व्हेल को अनबॉक्स करते हैं। ये व्हेल दो कलर्स में मिलती है, ब्लैक एंड ब्लू। मेरे पास कौन सी है एक बार देखते हैं यार, फटाफट से बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके भी साथ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे आरसी क्रोकोडाइल के अंदर मिले थे। ये रही गाइस हमारी ब्लू कलर की व्हेल, इसके पार्ट्स देखो यार अलग अलग आ जाते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल के आए थे पर इसके अंदर दो पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि ये इसकी पूंछ है, ये इसके सामने की बॉडी का हिस्सा है। तो अभी इसको यहाँ से मैं जोड़ लेता हूँ फटाफट से, इसको भी जोड़ना बहुत ज्यादा इजी है। ये मैंने इसको जोड़ लिया यार, जैसे कि रियल व्हेल दिखाई देती है, ये बिल्कुल वैसे ही डिजाइन की गई है। ऊपर की तरफ एक स्प्रे सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया, इसका माउथ देखो भाई साहब कितना ज्यादा बड़ा है। नीचे एक स्प्रे सिस्टम मिल जाता है, ये नीचे से पानी को खींच के ऊपर से फव्वारे की तरह फेंकने लगती है। यहाँ पे इसके दो प्रोपेलर्स दिए गए, यहाँ पे इसके फिन्स है। इसके अंदर भी बेबी क्रोकोडाइल जैसा ही रिमोट देखने को मिलता है। ये मिनी एम्फीबियस कार को भी मैंने रिसेंटली खरीदा था, मेरे पास आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े साइज की एम्फीबियस कार है, तो ये कार मेरे को उन सबसे हटके नजर आ रही थी, और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें भी मिल रही थी। इसका साइज देखो यार बहुत ज्यादा छोटा सा दिया गया है, देखते हैं आज ये पानी में और जमीन पे कैसे चल पाएगी। इसके अंदर इतने ज्यादा शार्प टाइप के व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, ये रहा इसका रिमोट, बहुत ज्यादा गदर लग रहा है, क्या ही क्वालिटी है भाई, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रिमोट दिया गया इसके साथ। ओ भाई साहब ये देखो यार क्या ही डिजाइन है भाई इसका, मजा आ गया इसको तो देखकर। ये इसकी जायरो सेंसर वाली वॉच है, ये वॉच से भी हम ये कार को चला सकते हैं। ये इसकी रिचार्जेबल बैटरी है, यहाँ पे है इसका यूजर गाइड। आज देखो यार हमारे पास बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीजें हैं पानी के ऊपर टेस्ट करने के लिए, आज सभी को टेस्ट करेंगे और देखेंगे इन सब में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। लेट्स गो। तो गाइस
ये पहुंच चुका हूं मैं तालाब के पास। आज लहरें यहां पे बहुत ज्यादा ऊपर तक आ रही है यार, क्योंकि हवा कुछ ज्यादा ही तेजी से चलने लग रही है। सबसे पहले ड्रैगन बोट को टच करके देखते हैं। ये क्या यार, बोट बहुत स्लोली चल रही है। अच्छा तो इसके अंदर स्पीड का भी बटन दिया गया है, अभी मैंने इसको प्रेस कर दिया है। आप देखो यार इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये लहरें को चीरती हुई आगे निकल चुकी है। मेरे को लग रहा है कि इसकी टॉप स्पीड जो है 40-50 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इसका बहुत मस्त लगा यार मेरे को, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये ड्रैगन बोट इतनी स्पीड से चलेगी। अब ये मिनी एम्फीबियस कार को टेस्ट करके देखते हैं। पानी के अंदर मैंने इसको उतार दिया है। आज लहरें भाई सच में बहुत ज्यादा आ रही है यार। ये कार को मैं आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कार आगे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही है। यहीं पे ही गोल गोल चक्कर लगाने लग रही है यार। इसको हटाते हैं साइड में, अभी चलाते हैं हमारी आरसी व्हील को। ये व्हील देखो यार बहुत ज्यादा तगड़ी है। अपनी पूंछ की हेल्प से भाई ये जिगजैग करते हुए पानी के अंदर से बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। मजा आ गया यार इसको चला के। इसका फाउंटेन ऑन करने के बाद इसका बैलेंस जो है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। ये दोनों जॉयस्टिक्स को एकदम आगे करेंगे तो ये आगे बढ़ने लगती है। एक जॉयस्टिक को प्रेस करके रखेंगे तो गाइस ये गोल गोल घूमने लगती है, और इसको हम लोग ऐसे प्रेस करके जिगजैग मोड में भी चला सकते हैं। अब ये बेबी क्रोकोडाइल को टच करके देखते हैं। इसके अंदर भी सेम आरसी व्हील जैसा ही रिमोट दिया गया है और ये भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अपनी पूंछ को लेफ्ट राइट करते हुए इसको भी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और आप देख सकते हो ये कितनी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई दे रही है। अब ये बायोनिक एलियन स्नेक को टेस्ट करके देखते हैं, ये इतनी ज्यादा लहरों में चल पाएगा या फिर नहीं। बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है ये, दिखने में भाई कोई दूसरी दुनिया की चीज ही नजर आती है यार। ऐसा लुक तो मैंने आज तक कोई भी आरसी एनिमल के अंदर नहीं देखा है, और इसको चलाना भी बहुत ज्यादा इजी है। अभी आरसी एम्फीबियस शार्क को टेस्ट करके देखते हैं। मिनी एम्फीबियस कार तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। पानी के अंदर मैंने इसको उतार दिया है और लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये बहुत बढ़िया तरीके से चल भी रही है और इसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा मेरे को लग रही है। ओके यार अब रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है इस रेस को। दोनों के बीच में एकदम नेक टू नेक फाइट चल रही है जीतने के लिए। आरसी वेल आगे निकल चुकी है और आरसी स्नेक इसको पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा था, पर गाइस ये बच के आगे निकल गई है। अब यहां से दोनों को टर्न करा लेते हैं फटाफट तरीके से। आरसी स्नेक टर्न हो चुका है और ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। दोनों के बीच में यहां पे बहुत ज्यादा टफ फाइट चल रही थी, पर आरसी स्नेक जीत चुका है रेस को। अभी देखते हैं गाइस आरसी स्नेक ये आरसी क्रोकोडाइल को भी रेस में हरा पाता है या नहीं। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा नेक टू नेक रेस चल रही थी, पर आरसी स्नेक ने यहाँ पे बाजी मार ली है और ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। फटाफट से टर्न करा लेते हैं। दोनों को मैं टर्न करा चुका हूँ। आरसी क्रोकोडाइल पहले टर्न हो चुकी थी और यहाँ पे आरसी स्नेक इसको भाई ओवरटेक करके आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। आरसी क्रोकोडाइल भी आगे जाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर आरसी स्नेक इसको धक्का मार के साइड में भाई आगे निकल चुका है और ये रेस को जीत भी चुका है। अब रेस कराते हैं आरसी एम्फीबियस शार्क वर्सेस आरसी स्नेक के बीच में, देखते हैं गाइस क्या ये स्नेक आरसी एम्फीबियस शार्क को भी हरा पाएगा या फिर नहीं। ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, ये पानी के अंदर से भाई बहुत आराम से तैरता हुआ जीत चुका है रेस को। अब रेस कराते हैं आरसी ड्रैगन बोट वर्सेस आरसी स्नेक के बीच में। ये क्या था यार, आरसी बोट तो आरसी स्नेक के ऊपर से निकल गई। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है यार, ये एक राउंड लगा के भी वापस आ रही है। अभी तक आरसी स्नेक आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा है। क्लियरली यहां पर आरसी ड्रैगन बोट जीत चुकी है रेस में। आरसी स्नेक आरसी बोट को रेस में तो नहीं हरा पाया। अब दोनों के बीच में तगो फर कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। यहाँ पे दोनों के बीच में काफी ज्यादा टफ फाइट चल रही है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया है आरसी बोट के अंदर, आरसी बोट ने इसको धीरे धीरे करके खींचना चालू कर दिया है और यहाँ पे आरसी ड्रैगन बोट जीत चुकी है। अब तगो फर कराते हैं आरसी बेबी क्रोकोडाइल वर्सेस आरसी ड्रैगन बोट के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे भी आरसी ड्रैगन बोट काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके भी प्रोपेलर्स बहुत स्पीड से घूम रहे हैं, फिर भी ये हार चुकी है आरसी बोट के सामने। अब यहाँ पे आरसी वेल, आरसी क्रोकोडाइल और आरसी स्नेक को मैंने एक तरफ बांध दिया है और दूसरी तरफ आरसी ड्रैगन बोट को बांध दिया है। देखते हैं गाइस क्या ये इकट्ठा इन तीनों को हरा पाती है या नहीं। इन सभी के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है। आरसी ड्रैगन बोट पूरी कोशिश कर रही है इन तीनों को खींचने के लिए, और ये तीनों भी बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि आरसी ड्रैगन बोट ने इन तीनों को इकट्ठा हरा के रख दिया यार। ये तीनों मिलकर भी इसको नहीं हरा पाए। देख सकते हो इन तीनों के प्रोपेलर्स यहाँ पे घूम भी रहे हैं, पर ये तीनों मिलकर एक बोट को नहीं हरा पा रहे हैं। ओके अब तक वो फोर कराते हैं आरसी ड्रैगन बोट वर्सेस आरसी एम्फीबियस शार्क के बीच में। ये आरसी एम्फीबियस शार्क बहुत ज्यादा भारी भरकम है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर तरीके से व्हील्स लगे हुए। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टफ फाइट चल रही थी, पर यहाँ पे भी जैसे ही मैंने आरसी बोट को सेकंड गियर में डाला है, देखो यार इसने भी भाई हरा के रख दिया है आरसी एम्फीबियस शार्क को। तो यार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन सभी आरसी वाटर एनिमल्स में से कौन सी चीज अच्छी लगी। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है साई चरण, यश शर्मा, दर्शन, सुमन, मेहराब, तनिकेश, मानस, आर्यश, अदनान, जतिन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।